हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ भाई गंगा जी में, और इधर आप देख सकते हो ये गंगा जी का व्यू। अभी उधर शुभम जो हैं वो जल भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ये कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने देखा होगा मैंने सुल्तानगंज तक वो ख़त्म किया था। सो इसमें मैं पूरा सुल्तानगंज का मार्केट जो है ना और साथ में घाट जो है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। चैनल बनाए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इधर शुभम भाई भी हैं जो अभी थोड़ा, और उधर सूरज जी जो है वो डुबकी लगाने चले गए हैं। तो इस ब्लॉग में बस आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा घाट, सुल्तानगंज का बाज़ार, मार्केट और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा। सो बी कंटिन्यू प्रयास करें फ्रेंड्स। तो ये है सुल्तानगंज का मार्केट, जहाँ पे आप दोनों बगल देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कंवरियों के लिए बहुत सारे सामान जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। इधर भी आपको कांवड़ मिलेगा, बैग्स मिलेंगे, कपड़ा मिलेगा, मतलब जो कुछ भी मिलेगा बोलबम से ही रिलेटेड मिलेगा। दोनों बगल आप इस साइड भी देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ। और ये मैं अभी चल रहा हूँ ना सुल्तानगंज के बीच बाज़ार में, और ये सब देखो यहाँ पे आई थिंक सो जल उठाकर चल दिए यहाँ से। ये देखो, और यहाँ पे ये नाम वगैरह लिखाने की काम होती है, कुछ लोग अपने कपड़े में नाम लिखवाते हैं मोहित बम, सो वो सब कुछ। इधर कुछ खाने का सामान, और यहाँ से बस चलता चलूँगा और करीब 2-3 किलोमीटर तक, जब तक गंगा घाट नहीं आ जाता। देखो ये सारे जितने भी कांवड़ियाँ लोग हैं ना, ये सब जल उठा के यहाँ से चल दिए हैं बोल बम। देखो फ्रेंड्स, थोड़ी दूर चलने के बाद ये श्रावणी मेला के तहत में ये एक बहुत बड़ा सा कैंपस जो है वो निःशुल्क यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर में आपको चाय शरबत और बहुत बड़े एरिया में विश्रामालय मिल जाता है। और जब से मैं आ रहा हूँ बहुत बार यहाँ पे विश्राम किया हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो जाता है घाट जाने का रास्ता। अब सामने देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा है, अजगैबीनाथ धाम में आपका स्वागत है, यानी कि सुल्तानगंज में। और यहाँ से घाट का रास्ता जो है दो तरफ से शुरू हो जाता है, एक सामने की तरफ भी घाट चला जाता है और एक इस तरफ भी बाएं के साइड में, अगर आप रास्ता पे जाओगे तो वहाँ से भी घाट का रास्ता जो है वो चला जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से घाट का रास्ता शुरू, यहाँ पे आपको फल फूल प्रसाद वगैरह सब चीज़ मिलेगा। और यहाँ से ही हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, और ये पूरा सुल्तानगंज का बाज़ार हो गया। आपके को ये कैसे कह सकते हैं कि ये घाट के आसपास का बाज़ार है। और इधर आप देखोगे कि लोग जो है जल उठा के यहाँ से चल रहे हैं। ये पूरा घाट हो गया यहाँ से, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ये देखो, यहाँ से आप घाट की तरफ चले जाओगे, ये चीज़ें काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। इधर कक्ष टाइप का बनाया गया है, वेटिंग हॉल टाइप का। और इधर घाट का निर्माण काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है दोस्तों, ये देख सकते हो सीढ़ी के रूप में भाई, ये सही है। ये देखो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गए हम लोग घाट के पास में। और ये देखो सुल्तानगंज के पास में ये ब्रिज बन रहा है, और यहाँ पे ये घाट। ओ भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे सब लोगों का जल संकल्प हो रहा है, इधर बोल बम। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ भाई गंगा जी में, और इधर आप देख सकते हो ये गंगा जी का व्यू। अभी उधर शुभम जो हैं वो जल भर रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे लोग जो हैं जल कैसे भरते हैं, कैसे स्नान उनान करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इधर देख सकते हो आप, ये मेरा गंगा जी का वाइब। शुभम करते हैं, ले लिए जल। ऐसा लगता है कि पूरा टूट गया है।
है।